तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंसेंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंडिगो इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है, कोई बता सकता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस आंसर, एक मिक्सचर दो चीजों का, चार चीजों का। टू एंड मोर सब्सटेंस एड। अच्छा, दो चीजों का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब दो चीज क्या होते हैं, तो एक होता है देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो कम अमाउंट में हो, कंसेंट्रेशन कम हो, हाँ, जिसका अमाउंट कम हो। ठीक है, क्वांटिटी कम हो, हाँ, अमाउंट में जिसका कम हो, क्वांटिटी कम हो। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसकी सॉल्यूशन जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। अच्छा, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे, जैसे तुम्हें तो याद है, बट कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि सर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं तो एग्जाम में जाकर भूल ही जाता हूँ सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो देखो तुम ऐसे ध्यान रखना, देखो सॉल्यूट के स्पेलिंग में क्या है, यू है ना, यू, और सॉल्वेंट में एल के बाद क्या है, वी, है कि नहीं? तो बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आता है? यू यू पहले आता है, यानी कि कम नंबर किसका है, यू का। तो और का। यू का नंबर कम है ना अल्फाबेट में, और वी का नंबर क्या है, ज्यादा है कि नहीं? तो यस सर। यानी कि ज्यादा कौन रहेगा, सॉल्वेंट, और कम कौन रहेगा, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट रहेगा आपका कम, सॉल्वेंट रहेगा आपका ज्यादा। और सॉल्वेंट का एग्जाम्पल जैसे पानी, वाटर, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, शुगर। तो चीनी पानी को मिलाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा भैया, सॉल्यूट। सॉल्यूशन हाँ, चीनी को पानी को मिलाओगे तो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे पानी क्या है, सॉल्वेंट है। अच्छा, हमेशा क्या होता है, हम हमेशा पानी ज्यादा रखते हैं ना, चीनी क्या रखते हैं, कम रखते कि नहीं? कोई ऐसा यस करता, सर। ऐसा थोड़ी करते कि सर मैं तो एक गिलास पानी ले लेता हूँ और चीनी, मतलब एक गिलास चीनी ले लेता हूँ और पानी सर एक चम्मच डालता हूँ और शरबत बनाकर पीता हूँ, ऐसा होता है क्या? सोचो वो शरबत कैसा होगा कि एक गिलास तुम्हारा पानी शरबत बना के तोड़ना पड़ेगा जाकर, शरबत तोड़ना पड़ेगा, वो बनेगा ही नहीं यार। तो उसमें तो बड़ा पानी में दिक्कत, टेम्परेचर देंगे सर, वो कर लेंगे लिक्विड फॉर्म में, हाँ, चीनी में। तो हमेशा हम पानी ज्यादा रखते हैं, चीनी कम रखते हैं। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट। कैसे तुम याद रखोगे भैया, स्पेलिंग जो आता है इसमें भी आ रहा है, भी का क्या है, भी बाद में आता अल्फाबेटिक ऑर्डर है, से। और ये सॉल्यूट क्या है, यू, यानी कि पहले आता है, यानी कि कम है। तो सॉल्यूट क्या रखना है, कम रखना है। बोलो यार, इसमें कोई दिक्कत? नो अब ये देखो, सर। तुम पढ़े होगे सॉल्यूशन दो तरह के, एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस अच्छा, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? सर, जो सर पूरी होमोजीनियस तरह मिक्सचर, भूल गया है सर, हाँ यानी बिल्कुल। देखो होमोजीनियस मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से घुल जाए, जैसे चीनी पानी का शरबत बनाओगे तो क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा, होगा कि नहीं? यस सर। सर और नमक और पानी हेट्रोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस जैसे सैंड और वाटर। अब देखो सैंड वाटर में तुम बालू डाल दो, वो घुलेगा क्या? नो बिल्कुल सर, नहीं, नहीं करेगा। तो वो नहीं घुलेगा। तो क्या हो गया, वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो, मतलब क्या है, वो उसमें दो लेयर अलग अलग हो जाएंगे, तुम्हारे सैंड नीचे दिखेगा, पानी ऊपर दिखेगा, वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। और होमोजीनियस क्या होता है, जो पूरी तरह से क्या होता है, क्या गुल जाए है, हाँ, इजा। वो जो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए उसे होमोजीनियस, जो पूरी तरह से डिजोल्व ना हो उसे क्या बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या था, सॉल्यूशन के बारे में। तो यही आपका, अच्छा यहाँ पे आपका लिखा हुआ था क्या, कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम समझ लिए। फिर क्या लिखा हुआ है, जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये सही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन था सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सर, ऐसे सॉल्यूशन जो पानी में मतलब ज्यादा मात्रा में सॉल्युबिलिटी घुलने के पानी, जैसे यहाँं सॉल्वेंट से ज्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट के हो। हो जाते हैं, वो सेचुरेटेड जो जी नहीं होते, वो अनसेचुरेटेड। देखो देखो, ये सुनना क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे अगर मान लो एक, देखो तुम्हें
तुम ऐसे एग्जांपल तुम ये देखना, तुम कभी ये शरबत बनाया? अच्छा रसना, रसना कोई बच्चा बनाया है? रसना पिया है? एक आता है एक रुपए का पैकेट आता है या पांच रुपया दस रुपए का, उसको बच्चे क्या करते हैं पानी में, अरे सारे बच्चा पिए हैं, क्या करते हैं पानी लेते हैं उसमें रसना डाल देते हैं और फिर चीनी डालते हैं और चीनी डाल के मिलाते हैं और फिर वो तुम्हारा बन जाता है ऑरेंज जूस और उसको पी लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ये होता होगा, रसना बनाते टाइम तुम कभी कभी देखे होगे, तुम मतलब क्या होता है चीनी डालते हो और मिलाते हो, चीनी डाल के मिलाते हो और वो मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा तुम ज्यादा लालच में आ गए और ज्यादा चीनी डाल दी, जैसे ये ग्लास है इसमें तुम बहुत ज्यादा क्या डाल दिए, शुगर, तुम बहुत ज्यादा शुगर डाल दिए इस बर्तन में। इससे क्या होता है तुम उसके अंदर कितना भी मिलाते रहते वो चीनी मिलता ही नहीं है, होता है कि नहीं, तुम मिलाए जा रहे हो मिलाए जा रहे हो और वो बेचारा चीनी घुल ही नहीं रहे घुल ही नहीं रहे, होता है कि नहीं, कभी हुआ है तुम्हें? यस सर, यस सर, वो ऐसा हो जाता है। फिर तुम भी सोचते हो भाई ये चीनी घुल क्यों नहीं रहा, फिर ऐसे 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 बोतल को पूरा ये कर रहे हो मिक्स कर रहे हो लेकिन चीनी घुल नहीं रहा, ये 13 टाइम होता है। तो यानी कि क्या हुआ ना कि हर पानी का एक क्षमता है, यानी कि जो भी सॉल्वेंट है ना उसका क्या है एक कैपेसिटी है, उतना ही घुल सकता है, उससे ज्यादा तुम्हारा नहीं घुल सकता। अगर उससे ज्यादा तुम घुलाओगे तो वो नहीं घुलेगा, तो जितना क्षमता है उतना ही डिजॉल्व होगा ना, तो उसे तुम क्या कहोगे उस सॉल्यूशन को, बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अगर मान लो एक लीटर पानी है और उसका क्षमता है क्या क्षमता है कि भाई इसमें 10 चम्मच चीनी घुल सकता है और तुमने 10 चम्मच ही चीनी उसमें डाला तो क्या कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बोलो आ रहा है समझ में? यस यस सर। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यदि मान लो उसका क्षमता क्या है, उसका क्षमता है 10 चम्मच चीनी डिजॉल्व करने का, लेकिन तुम उसमें क्या डाल रहे हो मात्र 2 चम्मच चीनी, चीनी तुम कम डाल दिए, बोलो भाई चीनी कम डाले ना तुम, कैपेसिटी कितना था 10 चम्मच का, कैपेसिटी था 10 चम्मच का, तुमने डाले 2 चम्मच, इससे क्या दिक्कत हो गया भैया? 2 चम्मच डालने से क्या हुआ वो और भी ज्यादा चीनी उसमें डिजॉल्व हो सका है, जितना क्षमता है उससे तुमने कम चीनी डाला है, इसलिए उसे क्या बोलोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे, क्या बोलोगे अनसैचुरेटेड, जितना कैपेसिटी है उससे कम चीनी डालोगे इसलिए क्या हो गया वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आया अनसैचुरेटेड मतलब समझ आ, मान लो अरे अरे ये ग्लास है, तुम कंजूस आदमी हो, तुम शरबत बनाने गए, इसमें मान लो ये पानी एक लीटर बहुत ज्यादा पानी रख लिया, चीनी तुम थोड़ा सा डाल दिए तो थोड़ा सा चीनी डाल दिए भाई उस, तो वो मीठा थोड़ी हो, उसमें और चीनी डिजॉल्व हो सकता था, तुमने क्या किया तुमने बहुत कम चीनी डाला, लेकिन तो इसलिए उसे क्या कहोगे अनसैचुरेटेड, मतलब जितना चीनी उसमें डिजॉल्व हो सकता था उससे तुम कम डाले, ठीक है, अनसैचुरेटेड आया समझ में, बोलो। यस सर। अच्छा अब तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। अब ये सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, देखो तुमने चीनी मतलब मान लो इसका क्षमता था कितना 10 टेबल टीस्पून, मतलब 10 चम्मच चीनी इसमें डिजॉल्व हो सकता था, तुमने 15 चम्मच डाल दिया और वो डिजॉल्व नहीं रहा, तुमने हीट दिया, देखो तुम देखते हो जब हीट देते हैं ना गैस पे तुम पानी रख दोगे तो क्या होता है उसमें ज्यादा डिजॉल्व हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर। टेम्परेचर देने से उसमें वो पानी में क्या हो जाएगा ज्यादा डिजॉल्व होगा, तो भाई तुमने टेम्परेचर दे दिया तो उसके क्षमता से तुमने ज्यादा डिजॉल्व किया, तुमने कैपेसिटी से तो ज्यादा डिजॉल्व कर दिया, तो जब कैपेसिटी अब ज्यादा डिजॉल्व करोगे तो उसे क्या कहोगे सुपर सैचुरेटेड, जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिजॉल्व तुम कर दिए तो क्या कहलाएगा, बोलो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कैपेसिटी से कम करोगे तो अनसैचुरेटेड, कैपेसिटी जितना है उतना ही करोगे तो सैचुरेटेड, और उससे ज्यादा कर दोगे, ज्यादा कैसे होगा तुम टेम्परेचर दे दो ज्यादा तुम कर दिए तो क्या हो जाएगा वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। यस ओके, ये सॉलिड सॉल्वेंट समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखो ये सुपर सैचुरेटेड, हाँ सुपर सैचुरेटेड फिर से बताना है क्या? नो सर। अरे अच्छा एक यस सर, उज्ज्वल यस सर बोल रहे। अरे सुपर सैचुरेटेड मतलब मान लो एक ग्लास पानी था
और इसका क्षमता की था कि तुम पांच इसमें पांच ही चम्मच चीनी तुम डाल सकते डिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन तुम क्या कि इसमें 10 चम्मच डाल दिए चीनी, वो डिजॉल्व नहीं हुआ था, तुमने टेम्परेचर दिया, तुमको गैस पे रखे, वो सारा चीनी डिजॉल्व हो जाएगा, तो सारा चीनी डिजॉल्व हो गया, मतलब क्या हुआ, उसके क्षमता से तुम ज्यादा डिजॉल्व कर दिए, तो क्षमता से ज्यादा डिजॉल्व करोगे तो सुपर सैचुरेटेड, बोलो यस सर क्लियर है, आ गया ना, जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिजॉल्व करना। अच्छा ये ज्यादा डिजॉल्व कम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो एक यहाँ पे कंसेंट्रेशन टर्म का यहाँ पे क्या होगा, जन्म होगा, देखो मतलब अब हो गया ना कि एक मतलब क्या हो गया कि ज्यादा डिजॉल्व कर रहे हैं कम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से एक वर्ड आएगा कंसेंट्रेशन, क्या आएगा आपका आएगा कंसेंट्रेशन। अब ये कंसेंट्रेशन तुम्हें क्या बताएगा, देखो अब कोई बना तुम बोले, तुमने क्या बोला कि भैया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तुमने बोला सॉल्यूशन होता है, और तुमने क्या बोला कि ये जो सॉल्यूशन है या तो ये ज्यादा मीठा होगा या कम मीठा होगा। देखो अगर तुम शरबत बना रहे हो, कम चीनी डालोगे तो तुम्हें फीका फीका लगेगा, ज्यादा चीनी डालोगे तो क्या होगा, मीठा मीठा लगेगा, है कि नहीं। अरे तुम ज्यादा चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा ना सॉल्यूशन तुम्हारा। यस सर, सॉल्यूशन तुम्हारा कम मीठा या ज्यादा मीठा ये डिपेंड कर रहा है चीनी के। तो एक वर्ड आता है कंसेंट्रेशन, पूरा फुल फॉर्म अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, CONCENTRATION, एक वर्ड आता है कंसेंट्रेशन, वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताएगा, ठीक है, वो आपको बताएगा कि कोई चीज कितना मीठा है या कितना फीका है। तो देखो कंसेंट्रेशन तुम्हारा क्या बताएगा कि कोई चीज कितना मीठा है या कोई कितना फीका है, कैसे, देखो सॉल्यूशन अब तुम्हारा दो तरह का हो जाएगा, एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हो जाएगा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसेंट्रेशन। अब क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन केमिस्ट्री में बोला जाता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसका क्या हो कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, मोलारिटी कितना से कम, एक से कम हो जाए मोलारिटी, तो तुम कंसेंट्रेट क्या बोलोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, मोलारिटी कितना होना चाहिए, एक से ज्यादा। तो अब ये मोलारिटी एक से ज्यादा होगा तो तुम क्या बोल दिए, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मोलारिटी एक या एक से कम होगा तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा डाइल्यूट था, ये कंसेंट्रेटेड था। क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है हम समझ गए, मोलारिटी एक से ज्यादा होगा तो हम कंसेंट्रेटेड बोलेंगे, लेकिन मोलारिटी होता क्या है फिर। क्वेश्चन ये भी आएगा ना कि भाई तुम चलो ये तुमने मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि मोलारिटी एक से कम तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और मैंने तुम्हें बताया मोलारिटी एक से ज्यादा तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो भैया मुझे कंसेंट्रेशन, अरे ये जो मोलारिटी कंसेंट्रेशन है ना इसी को मोलारिटी बोलते हैं, एक और नाम क्या हो जाएगा, मोलारिटी। अरे कंसेंट्रेशन बोल रहे हो ना, तो इसका एक और नाम तुम ये समझ लेना, मतलब केमिस्ट्री में ये जो है मोलारिटी को ही कंसेंट्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया मोलारिटी एक से कम है तो तुम डाइल्यूट बोल रहे हो, मोलारिटी एक से ज्यादा है तो कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटेड बोल रहे हो, ठीक है। तो ये मोलारिटी वर्ड होता क्या है फिर, हम तो याद कर लिए कि मोलारिटी एक से ज्यादा तो कंसेंट्रेटेड, तो मोलारिटी ये वर्ड क्या होता है इसको भी जानना पड़ेगा, है कि नहीं। yes, sir. तो ये मोलारिटी क्या होता है, कोई फॉर्मूला इसको बता सकता है, किसी को याद है सर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। अच्छा ये बता मोलारिटी का फॉर्मूला किसको किसको नहीं याद है, हैंड रेज करें जिसको नहीं याद है वो, या जिसको लगता है कि सर मैं याद करता हूँ लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ वो भी हैंड रेज करें। अरे सर माना नहीं यार, बहुत बच्चों को नहीं याद होगा क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ही। मोलारिटी एक होता है, मोलारिटी होता है, एक मोलालिटी होता है, एक नॉर्मालिटी होता है, और तीनों का ऐसा फॉर्मूला है कि तुम्हारा मिक्सअप हो जाता है कि नहीं। अरे मिक्स होता है, नो सर वो डेफिनेटली होता है, यस सर हो जाता है कई बार हो जाता है। ऋतिक बोल रहे हैं हो जाता है, ठीक है। निगम बोल रहे हैं नहीं होता है, निगम है इंटेलिजेंट सर, क्योंकि सर मैंने पढ़ा है ना इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा वो लगता है कि मेरे को नहीं लगता। अच्छा आपको नहीं, तो निगम आप ही बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ फिर।
नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यस सर डिवाइडेड बाय क्या होता है वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जो बच्चा कंफ्यूजन होता है ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। ठीक है, देखो ये मोलारिटी नाम क्या है, मोलारिटी है ना, मोलारिटी है तो ऊपर तुम क्या रखोगे मोल, नाम में ही मोल से स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्मूला में ऊपर क्या रखोगे बताओ, मोल मोल मोल। ओके तो चलो ऊपर तुम मोल रख दो। ठीक है, अच्छा ये फिर मोल रख दिए, अच्छा नीचे क्या रखेंगे तो नीचे देखो मोलारिटी आर है ना, स्पेलिंग में क्या है आर, आर आ रहा है कि नहीं, मोलारिटी के स्पेलिंग में आर आ रहा है, और आर जो है तुम्हें थोड़ा थोड़ा देखने में भी की तरह लगता है क्या, यस भी की तरह है ना, तो हम इस भी फॉर क्या समझ लेंगे वॉल्यूम, यानी कि ऊपर मोल और नीचे क्या रख दोगे वॉल्यूम, ध्यान रहेगा। देखो मोलारिटी नाम में से स्टार्ट ही हुआ है मोल से, तो चलो भाई ऊपर क्या रख दो मोल रख दो, और फिर मोलारिटी में जो है आर आ रहा है, आर जो है भी की तरह दिखने में होता है और वी फॉर वॉल्यूम होता है, इसलिए नीचे क्या रखोगे वॉल्यूम रखोगे। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलारिटी क्या हो गया मोल अपॉन वॉल्यूम एक होता है, अगला क्या होता है मोलालिटी, मोलालिटी बताओ निगम क्या होता है, मोलिटी बराबर नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 केजी इन सॉल्यूशन, गलत गलत गलत, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डिवाइड में, अरे हां हां एक सेकंड, अभी निगम आप तो बोल रहे थे कि आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आप तो कंफ्यूज हो गए। नहीं सर वही तो है एन अपॉन ऊपर, तुमने क्या बोला क्या बोला ऊपर, नंबर ऑफ मोलालिटी जो होता है ना ये मोल, देखो नाम क्या है भैया मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर क्या लिखोगे मोल। ठीक है, देखो नाम क्या है मोल से स्टार्ट हो रहा है ना तो ऊपर क्या रखोगे मोल ऑफ सॉल्यूट, आइए ये मोहम्मद गुलाम सही बोल रहे हो आप, ऊपर मोल रखोगे, लेकिन यहाँ पे देखो लीटी है ना, क्या है लीटी चोखा आर आ रहा है क्या, आर तो नहीं आ रहा है तो इसके नीचे ही हम वॉल्यूम रखेंगे क्या, देखो आर दिखने में तो आर तो आ नहीं रहा है इसलिए वॉल्यूम भी नीचे नहीं आएगा, तो वॉल्यूम अच्छा मार्केट में तुम जाते हो किसी किराना दुकान में तो दो ही चीज में तुम वजन करते हो, या तो बोलते हो कि 5 kg तुम चीनी दो 5 kg तेल दो ऐसे बोलते हो, या फिर बोलते 5 लीटर तेल दो। सर एक बार दोबारा चेक कर दीजिए, क्या क्या हो गया दीपू सर, मेरे से नेटवर्क इशू हो रहा है सर, अरे आ जाएंगे मैं दोबारा रिपीट करूंगा कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ मार्क इसको भी समझो फिर से रिपीट कर देना। ओके देखो क्या हो रहा है, तुम मार्केट में जाकर खरीदते हो तो क्या होता है, या तो तुम केजी में वजन मानते हो कोई सामान भैया 5 kg दो 10 kg दो किराने दुकान में जाके, या फिर क्या बोलते हो 5 लीटर 10 लीटर, तो मेजरमेंट का क्या यूनिट है, एक वॉल्यूम है एक मास है, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसके नाम में आर तो है नहीं, आर रहता तब तो वी होता ना क्योंकि आर और वी देखने में एक जैसा है कि नहीं, तो इसलिए इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे मास लिख दो, क्या लिख दोगे मोल अपॉन मास, मोल अपॉन मास, मोलालिटी क्या कर दोगे मोल अपॉन मास। ठीक है, और एक थर्ड आता है जिसको कहते हैं नॉर्मालिटी। अब देखो ये नॉर्मालिटी में बताओ ऊपर मोल लिखे क्या, नो no, सर no, क्यों, क्योंकि इसका नाम मोल से स्टार्ट हो रहा है क्या, नो no, सर नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ऊपर no. तो मोल नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया ऊपर मोल नहीं होगा, yes, नीचे sir. क्या होगा, तो देखो नीचे इसका नाम क्या स्टार्ट हो रहा है आ, नाम में आ रहा है ना, देखो आ रहा है कि नहीं नाम में, तो आ रही तो यानी कि नीचे तो वॉल्यूम होगा, ये तो फिक्स हो गया। अरे बोलो कंफ्यूजन वाली बात है क्या, no, no, देखो, sir, no, sir. ये देखो अब ये मोल तो है नहीं नाम में आगे, तो यानी कि ऊपर तो मोल होगा नहीं,
तो क्या होगा, तो इसके इसमें जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, देखो अजीब सा आ गया ना, देखो नॉर्मलिटी, देखो ये अनॉर्मल अजीब सा आ गया ना, कोई मोल से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऊपर भी एक क्या आएगा, कोई एक अजीब सा चीज आ जाएगा, वो अजीब सा चीज क्या है, वो है ग्राम इक्विवेलेंट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे, अभी बताओ यहाँ तक फॉर्मूला तीनों, अब कंफ्यूज हो गए क्या तीनों फॉर्मूला में? नो सर। मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अब एक साथ में सब तीनों को एक साथ में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला मोलारिटी, कैसे याद रखना है मोलारिटी का फॉर्मूला, स्टार्ट किससे हो रहा है, मोल से हो रहा है, तो ऊपर क्या रहेगा बताओ, ऊपर क्या रहेगा, मोल। अभी सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट हम बाद में बात करेंगे, देखो नाम में क्या है मोल है, तो ऊपर क्या रहेगा फॉर्मूला में, बोलो मोल, मोल। लेकिन इसमें एक आर भी दिख रहा है, देखो आर दिख रहा है और आर वॉल्यूम, तो नीचे क्या होगा, हाँ नीचे वॉल्यूम होगा, ठीक है। अभी मैं रफली बता रहा हूँ मोल अपन वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है मोलालिटी। अब ये मोलालिटी में तुम देखो भाई नाम में क्या है मोल, 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 क्या होगा मोल, मोल, मोल। लेकिन नीचे देखो आर आर है क्या, ये तो लिट्टी आ गया ना, लिट्टी जो खाया yes. मास sir, yes, sir. No, sir. Yes, बिहार में ये फेमस है, मैंने तो बहुत खाया, तुमने खाया तो बिहार का कोई है इसमें, मैं हूँ ना सर, मास आएगा सर, मैं भी हूँ, अरे मैं भी हूँ, मैं भी हैंड रेज कर दूँ क्या, बनारसी, अरे अरे बच्चा सब हैंड रेज कर रहा है, मैं भी, लो मैं भी हैंड रेज कर दिया, मैं भी हूँ, ठीक है, कहाँ से सर, अबे वहीं से जहाँ से तुम हैंड रेज कर रहे हो, बताइए सर फेमस प्लेस कहाँ से, क्या बोले सर, कोई पास में फेमस प्लेस होगा ना वो बताइए, अरे ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर, अगर आप पास में फेमस प्लेस सर, चंपारण घूमने गए थे सर यार में चला आया था गांधी जी ने, चंपारण सर जी बनारसी जानते हैं, अबे हो गया, हम तो पूरे एड्रेस ही पूछने लगे, बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है, या फिर कॉल करना, कॉल पे बात करेंगे आराम से। देखो अब इधर क्या है मोलालिटी, देखो यहाँ पे क्या आ गया, लिट्टी आ गया ना, लिट्टी में तो देखो एल से स्टार्ट हो रहा है, आर तो है नहीं, आर नहीं ना है, तो आर नहीं है तो नीचे तुम क्या रखोगे बताओ, मास रखोगे, वॉल्यूम तो रखने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आर रहता तब तो वी होता ना, आर ही नहीं है तो वी नहीं होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा मास, एक मूवी था उसमें कहता है मास, पता नहीं क्या मूवी का नाम था, तुम लोग देखिए वो साउथ का मूवी था ना, अरे साउथ का मूवी था, नहीं देखे हो क्या सर, देखे सर, सूर्य भी है, देखे हो, देखो तो यहाँ पे है आपका तीसरा आया नॉर्मालिटी। अब देखो नॉर्मालिटी में ऊपर हम क्या मोल रखेंगे क्या, नो सर, मोल तो नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि इसके नाम में मोल तो है ही नहीं, तो मोल नहीं रखोगे, इसके नाम में कुछ अजीब सा आ गया नॉर्मल, पता नहीं क्या आ गया अजीब सा, तो कुछ अजीब सा ऊपर रख दो, अजीब सा का नाम क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, क्या नाम है ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे नॉर्मलिटी में आर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम, नीचे क्या हो जाएगा बच्चा वॉल्यूम, तो इसका हो गया तुम्हारा, अब देखो तीनों याद रहेगा क्या, मोलारिटी का फॉर्मूला मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलारिटी का मोल अपॉन मास, और नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सर पोलैरिटी क्या होती है, क्या पोलैरिटी, पोलैरिटी अब कहां चले गए, पोलराइजेशन वगैरह बहुत बाद में पढ़ना है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वगैरह, ये पोलैरिटी यहां पे सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं आएगा, ठीक है, अरे खींचते ना है ना किसी चीज को, ठीक है, हाँ पोलराइजेशन ये तुम फिजिक्स में पढ़े होगे, इधर उधर मत जाओ यार, यहाँ पे रहो, देखो क्या है मोलारिटी, ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रहेगा, यस सर, अब ये देखो ये तो चलो फॉर्मूला यहाँ बोलिए, नॉर्मलिटी का ये है ना ग्राम इन इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड, अब थोड़ा चलो अब तो ये हो गया सर, हम ये फॉर्मूला तो याद आ गया मोल अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मोल किसका, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का कि किसका,
मसला ये भी आ जाएगा ना कि भाई चलो हम तो मोल हम समझ गए, फॉर्मूला को याद आ गया मोल बटा वॉल्यूम, लेकिन किसका मोल ये भी पता रहना चाहिए। तो किसका मोल बताओ? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोल किसका भैया? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो यहाँ भी वॉल्यूम किसका होगा? सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का सर। हमारे यहाँ पे भी किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ मोल है तो मोल किसका हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा ना। यस। और ये मास किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और ये ग्राम इक्विवेलेंट? 1 kg। अरे ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा भाई? ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा गुरु सॉल्यूट का। ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। सभी का यही कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। अरे बोलो। हाँ भाई सॉल्यूट का ही होगा। ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का। तो एक चीज तो तुम दे रहे होगे, जो ये मोल ये ग्राम इक्विवेलेंट है ऊपर हमेशा सॉल्यूट ही रह रहा है। रह रहा है कि नहीं? अरे बोलो रह रहा है कि नहीं? यस सर। तो मोल देखो, मोल हमेशा सॉल्यूट का, ग्राम इक्विवेलेंट भी सॉल्यूट का, यानी कि फॉर्मूला में हमेशा ऊपर क्या है? तो ऊपर फॉर्मूला सॉल्यूट है। तो ये बात भी सही है। देखो तुम शरबत बनाते हो, शरबत बनाते हो, ग्लास में तुम पानी रखे रहते हो, ऊपर से क्या डालते हो? चीनी डालते हो कि नहीं? यस सर। या फिर क्या डालते हो? रसना डालते हो या नींबू डालते हो, लेमन डालते हो ऊपर से? ऐसे ही होता है ना, जनरली ऐसे होता है ना, ऊपर से ही डाला जाता है। सॉल्यूट क्या होता है? ऊपर से डाला जाता है। या फिर तुम मान लो चाय बना रहे हो, तो चाय का सॉल्यूट क्या है? चाय पत्ती। चाय पत्ती को क्या जो होता है, टी लीव्स जो होता है, वो क्या होता है? वो गैस जब मतलब दूध बॉयल होते रहता है उसी में ऊपर से हम लोग टी लीव्स डालते हैं, तो वो जो टी लीव्स है वो क्या है? सॉल्यूट है कि नहीं बताओ? अरे सॉल्यूट वही होता है ना जो कम होता है। यस सर। तो कम कौन है? टी लीफ है। और उसको हम क्या डालते हैं? ऊपर से ही डालते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला में जो ऊपर से वो उसको डालते हैं, तो फॉर्मूला में ऊपर से जो जिसको डालते हैं उसी को फॉर्मूला में ऊपर रख देना। किसको डालते हो? सॉल्यूट को डालते हो। तो फॉर्मूला में ऊपर कौन रहेगा? सॉल्यूट। क्या रहेगा ऊपर? सॉल्यूट। क्या देखो सब में सॉल्यूट है, बोलो कोई दिक्कत? नो। अच्छा अब देखो, अब नीचे में तुम्हारा, चलो ये सही, ये एक चीज फंस गया। ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन है, लेकिन मास है तो सॉल्वेंट आ रहा है। वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन हो रहा है, मास है तो सॉल्वेंट आ रहा है। तो सर इसको कैसे ध्यान रखेंगे, किसमें सॉल्यूशन किसमें सॉल्वेंट? देखो ये एक्चुअली है बड़ा कंफ्यूजिंग। तो मैं आपकी तरह स्टूडेंट था ना, मैं भी बड़ा बहुत कंफ्यूज होता था, मतलब किसका क्या होगा भाई, ये मतलब होता नहीं है, ये दोनों आपस में मिक्स कर गए, पता चला कि कुछ का कुछ मिक्स कर गया, दिमाग खराब है, ये वो हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब ये मिक्स नहीं होगा कैसे, तुम ऐसे ध्यान रखना। देखो नीचे जो है ना, एक भी हमें चाहिए, नीचे क्या चाहिए हमें? एक भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम में एक वी ऑलरेडी हो गया है ना, तो तुम क्या कर देना? सॉल्यूशन नीचे लिख देना। मास में देखो एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी हमको मैनेज करने के लिए सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ पे भी ऑलरेडी है तो सॉल्यूशन लिख दो। मतलब नीचे दो कैंडिडेट बन रहे थे, एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट। तो जहां जहां वॉल्यूम तुम्हें दिखेगा ना, तो वॉल्यूम दिखेगा तो तुम समझ लेना, अच्छा अच्छा यहाँ पे तो एक वी ऑलरेडी आ चुका है, वी फॉर वॉल्यूम, तो इसलिए हम यहाँ पे वी फॉर सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक वी ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन मास में एक भी आया है क्या? नहीं है ना। नो सर। इसलिए एक भी हमें चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम में एक भी आ चुका है, तो इसलिए हम सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, इन्हीं फॉर्मूले पे ये पूरा टिका हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर। अगर ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो तुमको सॉल्यूशन चैप्टर करने में बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, मोलारिटी जो होता है क्या होता है, जल्दी बताओ फॉर्मूला इसका सर। मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मोल किसका?
भैया मोल किसका होगा तो देखो ऊपर ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट का होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। चलो मोल किसका, सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का, क्यों सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट हो नहीं सकता, क्योंकि सॉल्वेंट में भी हो चुका है और नीचे एक ही वी चाहिए था, ठीक है। अरे बोलो, यस यस सर। का मोलालिटी, मोलालिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तभी मैं बोलूं कि मैं आपको पहचान रहा हूँ, मणिकनिष्का। देखो ये जो है ना मोलालिटी क्या होता है, मोल अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इनकी। और किसका मोल किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट ही रहता है, चाय पत्ती हम ऊपर से ही डालते हैं, तो मोल किसका, सॉल्यूट का। और मास किसका, सॉल्वेंट। तो देखो एक भी चाहिए था सॉल्वेंट, तो एक भी चाहिए था, तो एक भी नहीं है, मास सॉल्वेंट। चलो अगला है ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा भैया, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अपॉन में आर है ना, तो वॉल्यूम अपॉन में यहां पे आर है, तो इससे क्या होगा। अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट किसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम किसका हो जाएगा, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का। क्यों क्यों सॉल्यूशन का होगा, सॉल्वेंट का क्यों नहीं होगा, एक ही एक ही भी चाहिए था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इसको मिल चुका है। बोलो क्यों दिक्कत हो, ये फॉर्मूला तो बताओ भाई। नहीं होगा ना कंफ्यूजन, ओके। अब क्या बता रहे हो, क्या पूछ रहे हो बच्चा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या डाउट है भाई बताओ। मोलर मास अपॉन बैलेंस फैक्टर, यस सर। हाँ तो ग्राम इक्विवेलेंट को ये बता देना। देखो ये बच्चा सब पूछ रहा है सर ग्राम इक्विवेलेंट बता दो, अरे ग्राम इक्विवेलेंट बता दीजिए, ये क्या। हाँ तो यही बता रहे ना, ग्राम इक्विवेलेंट इसको बताना है। तो देखो जो इसका फॉर्मूला होगा ना, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ऊपर क्या लिख दोगे, ग्राम मास, और ये माइनस लिख रहे हो तो डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो फॉर्मूला आया समझ में, अरे ग्राम, yes, ग्राम का फॉर्मूला क्या जाएगा, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्राम आपने क्या लिख दिया, ये नहीं समझ में आया कि ग्राम क्या है। तो देखो ये मोलर मास क्या होता है, ग्राम क्या होता है बताओ, मोलर मास, अरे ग्राम, ग्राम का मतलब जो तुमको दिया हो रहा होगा ना वजन, अरे सॉल्यूट का जो वजन दिया रहेगा ना, जैसे ग्राम ऑफ किसका, सॉल्यूट का ना, सॉल्यूट का जो वजन दिया होगा उसी को हम ग्राम, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि हाँ 5 ग्राम ये चीनी मिला रहे हो, 8 ग्राम चीनी मिला रहे हो, 10 ग्राम मिला रहे हो, तो वो जो ग्राम जो है ना वो क्या है, वो सॉल्यूट का वजन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है, ये तो आसान है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मामला फंसता है ये इक्विवेलेंट वेट में, बच्चा को दिक्कत होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने में। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर, हाँ अपॉन में इन फैक्टर या बैलेंसिंग फैक्टर जो आप बोल रहे हो, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, यस। इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इन फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, यस सर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब ये आता है कि भैया ये मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट पता है ना क्या होता है, यस सर, पता है मोलर मास, H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताओ तो 18 ग्राम, यस। तो ये जो होता है ना इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब तुम सोचोगे एन फैक्टर क्या होता है,
तो देखो n फैक्टर जो होता है, n फैक्टर निकालना है, हाँ एसीसी, जैसे ये बच्चा सही बोल रहा है, एसीडीटी और एसीसीटी, इसका मतलब समझे, एसीडीटी का मतलब समझे, जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटी है ना एच प्लस देने का, वो उसका एसीडीटी कहलाएगा। जैसे मान लो एचसीएल, एचसीएल कितना एच प्लस में टूट सकता है, एक एच प्लस और एच सी एल माइनस, कितना एच प्लस है भाई, एक 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 है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, एक, एक, हाँ वन हो जाएगा। यानी कि एसीडीटी का मतलब है जो जितना ज्यादा एच प्लस देगा ना, वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एन फैक्टर उसे कहलाएगा। जैसे H2SO4, H2SO4 कैसे टूटता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यही होता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अच्छा तो ये है आपका, अब ये बताओ कितना H प्लस है, 2 2 n फैक्टर से इसमें 2 फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 यस। तो यही होता है एसिडिटी। अब एसिडिटी तो समझ गए, अब बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब जो जितना ओ एच माइनस क्या करे, डोनेट दे दे। जैसे अब NaOH क्या देगा, कितना ओ एच माइनस देगा, 1 दे देगा। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, 1 होगा ना, 1 यस। NaOH एक तुम्हारा ओ एच माइनस देगा, इसलिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है यस yes। अगला होता है क्या, NaOH हो गया, उसके बाद में अगर मान लो सर, हाँ बोलो सर, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसी के ऊपर सॉल्ट जो होता है जैसे उसका आ रहे आ रहे आ रहे भाई आ रहे, रुक सब। अब देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों हमारे डाउट पे आ रहे हैं, ठीक है सॉल्ट वाले पर जाओ। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में टूट जाएगा बताओ, OH- और 2H- तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 n फैक्टर हो जाएगा 2। तो n फैक्टर तुम वो एक बोल सकते हो, जितना ज्यादा H+ दे दे या जितना ज्यादा OH- दे दे, वो क्या कहलाएगा उसका, n फैक्टर, n फैक्टर। चलो ये तो समझ में आ गया। तो ये तो एसिड बेस के लिए हो गया ना, अगर मान लो एसिड बेस नहीं कुछ और है, सॉल्ट है, देखो एक होता है ना, एक एसिड होता है, एक बेस होता है, एक सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे कि तुम्हारा मान लो NaCl क्या हो गया, फोर्स में मतलब बात करूं फोर्स सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए जैसे NaCl क्या है, आपका सॉल्ट है, तो NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे तो ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो एन फैक्टर क्या बोले इसका बताओ, 1 हाँ, इसका भी एन फैक्टर क्या होगा, 1। तो देखो सॉल्ट के लिए क्या होगा ना, जो उसका चार्ज होगा ना वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। अब देखो इसका चार्ज क्या है, प्लस एक, कितना प्लस है, 1 ही प्लस है ना। अब किसी को ले लो, चार्ज ऑफ कटायन या चार्ज ऑफ एनायन, किसी भी एक चीज का चार्ज ले लो, कटायन का चार्ज जो रहेगा वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा, एनायन का जो चार्ज रहेगा वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। ऐसा नहीं करना कि दोनों को जोड़ देना है, बस कटायन का एक चार्ज देख लो, अनायन का एक चार्ज देख लो, जो चार्ज है वही उसका क्या है, एन फैक्टर। तो चलो ये एन फैक्टर तो हम समझ गए। अच्छा एक और ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसका एन फैक्टर बताओ, इसका एन फैक्टर बताओ भाई, 2 होगा, क्यों 2 होगा, क्योंकि अब देखो ये तुम्हारा इसकी बात करोगे तो यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 है, और यहाँ पे भी कितने चार्ज है, 2 है, तो किसी एक का ले लेना है, ऐसा नहीं करना 2+2=4 नहीं कर देना है, ठीक है, किसी एक का लेना है और तुम उसका क्या कर दोगे, एन फैक्टर बता दोगे, तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अरे बोलो, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, यस सर। तो एक और क्वेश्चन है, इसका इन फैक्टर बता दो यार,
स्कैन फैक्टर बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे इतना क्या सोच रहे हो, ये कैसे टूटेगा? CA 3 CA प्लस और CO 4 2 माइनस ऐसे ही टूटेगा ना? तो n फैक्टर कितना होगा? 6 6 है, 6 होगा। कैसे 6 होगा? क्योंकि देखो 3 दूना 4 कितना है? 6 नहीं है, या फिर यहाँ भी बात करो 2 इंटू 3 यानी कि 6, दोनों जगह 6 6 है तो किसी एक को तुम ले लो, ठीक है? तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना? n फैक्टर समझ में आया? यस सर, n फैक्टर आपको समझ में आया? तो देखो अब आता है, तुम सोचोगे सर n फैक्टर क्यों निकलवा रहे हो? तो n फैक्टर इसलिए निकलवा रहे थे ना क्योंकि जो तुम नॉर्मलिटी जो आया था ना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, यही था ना? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मोलर मास बाय के एन फैक्टर ना क्या? और फिर इक्विवेलेंट वेट, अरे इक्विवेलेंट का वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अरे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट बैलेंस। तो देखो एन फैक्टर तुम हम निकालना सीख ही गए, मॉलिक्यूलर वेट तुमको पहले ही से आता है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? H2O का क्या होता है? 18। तो इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल लोगे? निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो अब बताओ NaCl का तुम इक्विवेलेंट वेट बताओ तो। NaCl 40 सर। 40 कैसे? NaCl 23 और Cl 2। अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है पहले ये तो बताओ। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58 है क्या? तो 58 है क्या? हाँ। अरे हाँ ये देखो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 23 प्लस 35.5। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यस यस सर। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। चलो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर करना था। एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl Na+ और Cl- में टूट रहा है। तो ये जो आया 58.5 ये क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। और जब ये इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा तो यहाँ पे तुम डाल दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं चल जाएगा, निकल जाएगा ना? निकल। और जब ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो तुम क्या निकाल लोगे? नॉर्मलिटी निकाल लोगे। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नॉट सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो नो सर। नहीं दिक्कत है तो आगे अब बढ़ते हैं। आ रहा है तुमको समझ में? आ रहा है? यस सर। आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखो ये तुम्हारा सॉल्यूशन का कुछ कुछ तुम्हें बता दिए, ठीक है? अब यहाँ पे आता है सॉल्यूशन में। देखो हमने क्या पढ़ा था? हाँ बताओ दीपक, तुमने हैंड रेज किया है? दीपक कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। अच्छा अब देखो ये सॉल्यूशन का तुम पढ़ लिए, अब आते हैं क्या? अब ये सॉल्यूशन जो होता है ये कुछ टाइप्स के होते हैं, ये तुम लोग में भी पढ़े होंगे। इस सॉलिड को सॉलिड में जब तुम डालोगे तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? सॉलिड इन लिक्विड। ये पढ़े हो क्या? यस सर। पढ़े हो। फिर लिक्विड को सॉलिड में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। हाँ लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में डाल रहे हो ना, तो लिक्विड इन सॉलिड। जिसमें डालोगे इन उसके आगे लगा दोगे। गैस को लिक्विड में डालोगे तो क्या हो जाएगा नाम? गैस सॉलिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैस इन सॉलिड। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ लो, पढ़े हो। फिर सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड को फिर लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड इन लिक्विड। और गैस को लिक्विड में डालोगे तो गैस इन लिक्विड। तो वही सब है ये यार, आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है? फिर सिमिलरली यहाँ पे सॉलिड को गैस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन लिक्विड को गैस में डालोगे तो लिक्विड इन गैस।
देखो, और गैस को गैस में पुट करेंगे तो गैस इन गैस, गैस इन गैस का एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एयर क्या है, गैस इन गैस है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है, नहीं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है ना नेचर में, एयर में, तो इसलिए क्या हो गया, वो गैस इन गैस का एग्जांपल नहीं हो गया, यस ओके, N2 में सब भरी हुई है। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, क्या आंसर आप बताइएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, yes. हो देखते हैं अरे सबसे पहले तुम लोग क्या करो, कॉपी वगैरह ले लो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और ऐसे मत बोलो यार, लिखा ही था सर, क्या लिखा हुआ था, जो आप पढ़ा रहे थे वही लिख रहा था, तो वही लिख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया जा रहा है, 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया जा रहा है कितने, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मालिटी, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो नॉर्मालिटी कैलकुलेट करो और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी इसको, आसान क्वेश्चन है। क्या होगा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, क्या होगा सर, 0.14 आएगा क्या, रॉन्ग, 40 आएगा, रॉन्ग, क्या क्या 40 आएगा, नॉर्मलिटी पूछ रहे हैं सर, 0.2 सर, इक्विवेलेंट का सर फॉर्मूला क्या होता है सर, भूल गया सर, 1/5 वाटर 5, क्या 1/5 किसने बोला, कनिष्का का, ये सही है 1/5, अबे गधो इतना आसान क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बनना है, नॉर्मलिटी निकालना है ना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट 8×40 डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, देखो आर है ना, तो नीचे वॉल्यूम नहीं होगा, बोलो यस, अब ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट ही हमें निकालना था, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम तो आसान है, क्यों, क्योंकि एक लीटर दे ही दिया हुआ है, तो नीचे तो तुम इग्नोर कर दो, वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो yes. जो जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही तो नॉर्मलिटी होगा, बोलो यस सर, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं फिर, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, अभी फॉर्मूला बताते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करना था, तो ग्राम तुम्हारा दिया हुआ है क्या, तो हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, चलो ऊपर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे ना ऊपर, यस सर, और नीचे इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे, क्वेश्चन है कि सर हमें तो इक्विवेलेंट वेट ही नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, अब देखो एन फैक्टर तो क्या था क्वेश्चन में, NaOH है, तो NaOH क्या होता है, एन फैक्टर तो 1 हो जाएगा, NaOH का N factor क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर molecular mass की बात करेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, तो 40 हो जाएगा, तो नीचे क्या कर लीजिए, molecular weight divided by N factor करना था, molecular weight क्या है 40, और N factor क्या जाएगा 1, तो ये जो है ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है कि नहीं, यस सर, नहीं नहीं ये क्या आ गया, ग्राम, एक सेकंड, ये क्या आया, इक्विवेलेंट वेट ना आया, अरे इक्विवेलेंट वेट, ये क्या आया, इक्विवेलेंट वेट आया, इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर,
तो इक्विवेलेंट वेट क्या क्या आया, 40 आया। और तुम इस 40 को अब यहाँ पे फुट फुट करोगे, कहाँ गया इक्विवेलेंट वेट को, तो अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो ये क्या था ग्राम था 8 और इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया तुम्हारा 40 आया, तो 8 डिवाइड बाय 40 कर दोगे, 5 40, तो 8 डिवाइड बाय 40 करोगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यही मनी कनिष्का ने बोला था जो कि इनका आंसर सही है। आयास मनी बोलो। यस सर। यस सर। देखो फॉर्मूला बस ये नॉर्मलिटी का याद रखना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इस ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, जो गिवन ग्राम है, गिवन ग्राम कितना है 8 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा नीचे रहेगा, और इसको इक्विवेलेंट वेट जब तू निकाल तो क्या पता चला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि क्या हो गया ये 40 आया, ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 40 किए तो आंसर आपका 1/5 आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बताए हैंड रेज करेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है मास परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यही सही होता है ना, अरे परसेंट का साइज यही होता है ना, यस सर, यस सर, मास परसेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये मान लो लिखा हुआ है 5% वेट बाई वेट, ये मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5% है तो क्या लिखोगे 5% वेट बाई क्या लिखोगे, वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ मास परसेंटेज का मतलब, इसका मतलब समझे, 5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला हुआ है, हाँ सही बोले 5 ग्राम, इसका मतलब होता है 5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या है मिला, घुलनशील घुला हुआ है, घुलनशील नहीं घुल चुका है, यदि 7% यदि 7% इसका मतलब क्या होता, 7 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला हुआ है, इसका मतलब होता है 7 ग्राम, तो इससे तुम ये पता चलेगा तो सोल्यूट क्या है 7 ग्राम है, क्या है सोल्यूट 7 ग्राम, और सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो कोई तुमसे पूछे सॉल्वेंट बताओ कितना है तो बता सकते हो क्या, 100 माइनस 7 93 ग्राम, सॉल्वेंट क्या आएगा 93 ग्राम, क्यों 93, क्योंकि सॉल्यूशन में से ही सॉल्यूट को तो माइनस में होता क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा, अरे आ रहा है समझ में, ये तो तुम्हारा परसेंट वेट बाई वेट हो गया, ठीक है, अब आता है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब होता इसका मतलब क्या होगा 25 ml इसका मतलब ये हो जाएगा 7 ml है क्या सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट 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 7 ml आपका क्या है सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या आ जाएगा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 100 ml सॉल्यूशन 100 हो जाएगा 100 ग्राम, यस, तो इससे तुम क्या निकाले, इससे तुम सॉल्वेंट निकालिए सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट निकालिए तो तुम अरे सॉल्यूशन और तुम्हारा अरे ये सॉल्यूट ना है सॉल्यूशन और सॉल्यूट निकालिए तो सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो, निकल जाएगा कितना जाएगा 93 होगा 100 में से क्या माइनस कर दोगे 7 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 93 नहीं बचेगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, हां सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट सही बोल रहे हो, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई वॉल्यूम 100 ml में कितना है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 25% लिखा हुआ है
वॉल्यूम भाई, ये भाई वॉल्यूम का मतलब होता है v / p लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है अब इथाइल अल्कोहल मींस इसका मतलब क्या हुआ 100 cc³, cc³ मतलब समझे इसको को बोलते हैं 100 ml, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ml, पता है तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ml, तो इसका मतलब क्या हो गया 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया 25 ग्राम क्या है सॉल्यूट है किसमें 100 ml सॉल्यूट, तो ये परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या, अरे परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तुम समझे बताओ, यस यस सर, ओके तो आप लोग परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम समझ चुके हो, तो ठीक है ये परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आप समझ चुके हो, तो ये बताओ एक तीसरा आता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, सही बोले यार वेट वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम करके एक थर्ड वाला आता है, तो ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बताओ, और मान लो लिख दे 8% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या समझे जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, हाँ इसका मतलब हो गया 8 ग्राम क्या है 8 ग्राम आपका सॉल्यूट है और कितने सॉल्यूशन में 100 ml, 100 ml, सॉल्यूशन में 8 ग्राम सॉल्यूट है, बोलो आया समझ में, यस तो ये तो बहुत आसान है, सर सॉल्वेंट कितना होगा सर सॉल्वेंट कितना होगा, आप सॉल्वेंट नहीं निकाल पाएंगे कैसे निकालेंगे, एक है एमएल में, अगर कुत्ता अगर मान लो तुम्हारे घर में 10 डॉग है और 5 कैट मर गए तो कितने डॉग बचे, कैसे 10 तुम्हारे घर में मान लो 10 डॉग है जिसमें 5 कैट मर गए तो कितने डॉग बचे, सर 10 बचेंगे, 10 ही बचे ना क्योंकि कैट्स को डॉग से थोड़ी माइनस कर देंगे, इसकी यूनिट चेंज करके कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते ना, अगर मान लो अगर 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो 100 ग्राम हो जाएगा, ये 8 ग्राम हो जाएगा, तो हो जाएगा बताओ नहीं जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा, कंट्राडिक्शन वाला बात यहाँ पे नहीं किया जाएगा, वो तुमसे पूछेगा ही नहीं सॉल्वेंट का, ठीक है ओके सर आया समझ में, तो तुमने क्या सीखा, तुमने तीन तरह का वो ये सीखा परसेंट वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहां तक कोई किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, नो सर नो सर नो सर, यही दिक्कत है तो चलो भाई चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख क्या Yes. Yes, sir, yes, sir. ये तुम्हें पता है सीसी का मतलब तुम्हें पता है, क्रिस्टल क्लियर, अबे क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है सीसी का मतलब, किसने बोला सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर भाई, सर हमारे बैच में यही चलता था जब क्लियर हो जाए, अबे सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्रिस्टल क्लियर नहीं, अरे तुम्हें क्लास का जो पढ़ाया गया अभी तक क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, यस सर यस सर, क्रिस्टल क्लियर करके चलना है, क्रिस्टल क्लियर वैसे होता नहीं है, सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, आपको सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एमएल, क्या बोलते हैं एमएल, तो तुम अच्छा ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है, देखो सेंटीमीटर तो ऐसे यहाँ लंबाई चौड़ाई को नापते हैं, एमएल तो लीटर को नापते हैं भाई, एमएल लेकिन दोनों का रिलेशन होता है ना, अरे एमएल का यूनिट क्या होता है वॉल्यूम होता है कि नहीं, Yes, और सेंटीमीटर का यूनिट क्या होता है, ये तो लेंथ का यूनिट है, अरे बोलो yes, sir. भाई मेरे एक है लेंथ एक है वॉल्यूम, ये कैसे हो गया कोई समझा, लेंथ का क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ना उसका क्यूब, हाँ लेंथ का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है किसी को ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे कर दो, मान लो एक तुम्हारा एक तुम्हारा डब्बा है ढक्कन है उसका लेंथ है 1 cm, मान लो 1 cm क्यूब इक्वल टू क्या जाएगा 1 ml, इसका ब्रेथ क्या है 1 cm और हाइट भी क्या है 1 cm, तो इस डब्बे में कितना लिक्विड हटेगा,
तो जब नापोगे ना तो एक ml ही होगा। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर वन वन तुम लोगे ना तो उसमें जब तुम लिक्विड डालोगे तो क्या आ जाएगा कितना वन, ठीक है। तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब को ml में हम लिख देते हैं, ठीक है। यस सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, तुम इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन है आपको मोलारिटी फाइंड करना है, कैलकुलेट अकाउंट करना है मोलारिटी, अरे मोलारिटी कैलकुलेट करना है मोलारिटी ऑफ 25% वेट बाई वॉल्यूम एमोनिया सॉल्यूशन। बस इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मोलारिटी तुम्हें निकालना है 25% वेट बाई वॉल्यूम अमोनिया सॉल्यूशन का, बताओ जल्दी। कौन बता सकता है सबसे पहले? बताओ, सॉल्व करो जल्दी। अरे एक ही तो फॉर्मूला है, कहाँ चले गए? मोलारिटी का तो एक ही फॉर्मूला ही है अभी तक जो बताया है, तो एक ही फॉर्मूला बताए थे ना, मोल अपॉन वॉल्यूम ही था ना। यस सर, वॉल्यूम मोल अपॉन वॉल्यूम था। तो अच्छा देखिए, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या था आपका? मोलारिटी, ठीक है। तो हमें यानी कि मोल निकालना होगा तब जाके मोलारिटी निकाल सकते हो, और तुम्हें क्या करना है मोलारिटी निकालना है। तो मोल कैसे निकलता है? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर या मॉलिक्यूलर वेट, यही है ना। अब मोलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर वेट लिखो, बात हो गई। 14.7 प्रियांशु सही बोल रहा हो, प्रियांशु आप सही बता रहे हो। देखो यहाँ पे तुम्हारा मोल निकालोगे तो कितना मोल हुआ बताओ? मास को ऊपर रखोगे ना, मास कितना दिया क्वेश्चन में? अच्छा मास किसका? ये सॉल्यूट के मास लग रहे थे ना ऊपर, तो मेरे सॉल्यूट था। यस सर, यस सर। तो ये देखो अब यहाँ पे तुम्हें निकालना होगा, क्या निकालना होगा कि ये सॉल्यूट है 25% वेट बाई वॉल्यूम, सॉल्यूट की संख्या इसमें कितनी हो गई? अरे 25 ग्राम नहीं होगा, सॉल्यूट होगा सर, ये तो 25 ग्राम नहीं होगा। यस सर, यस सर, 25 ग्राम होगा। हाँ, और सॉल्यूट तुम्हारा 25 हो गया, और सॉल्यूशन क्या हो गया? 100 ग्राम, 100 ml वॉल्यूम है ना? यस सर, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? 100 ml, ठीक है। तो खैर ये सॉल्यूशन पे तो नहीं जाएंगे, सॉल्यूट हमारा टारगेट है, मोल निकालना है ना। तो मोल कैसे निकलेगा? सॉल्यूट का मास तुम्हारा ऊपर लिख दो, कितना सॉल्यूट का मास? 25 मॉलिक्यूलर मास लिखना है, NH3 अमोनिया मतलब क्या होता है? NH3 17, ठीक है। अरे बोलो। यस सर, यस सर। इतना तुम क्या निकाल सकते हो? मोलारिटी निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल लेंगे सर, तो वो मोलारिटी जब निकल जाएगा, सुनो जब मोलारिटी निकल जाएगा तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा मैनेज, नहीं निकल जाएगा? अरे यहाँ से मोलारिटी नहीं निकल जाएगा अगर तुम जाएगा। अरे मोल निकाल लो, देखो मोल तुम निकाल दिए, देखो मोल क्या है? 25 बाई 17 आया है, तो यहाँ पे क्या करोगे? मोल का वैल्यू रख दोगे 25/17, यही होगा ना, और डिवाइड बाई वॉल्यूम करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम तो क्या है, 25 ग्राम है, कितने में? 100 ml में ना, 100 तो नीचे में 100 ml लिखते हैं, लेकिन ml में लिखना सही नहीं होता है, लीटर में लिखना सही होता है। तो अगर लीटर में लिखेंगे तो क्या होगा? 0.1 नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया,
ऊपर मोल हो गया, अब दोनों को डिवाइड कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अरे आ रहा, किसी को नहीं आएगा तो बताएगा। आंसर तो आ गया सर, वो गलती से 17 की जगह 18 ले लिया था। अच्छा गलती से आ गया, अभी आ गया ना समझ में? यस सर। यस सर, को समझ में आ गया। ठीक है, यस सर आ गया। एक और आ गया तो एक और क्वेश्चन लिखना। सिक्स पॉइंट थ्री ग्राम क्या है जो कि डिजॉल्व हो रहा है। क्या डिजॉल्व हो रहा है, किसमें डिजॉल्व हो रहा है? डिजॉल्व इन 100 cc सॉल्यूशन। 6.3 ग्राम क्या है? HNO3 है, डिजॉल्व किया गया है 100 cc सॉल्यूशन में। तो आपको नॉर्मलिटी फाइंड करना है। सेंटीमीटर की बात करी है, नॉर्मलिटी बताना है। बताओ नॉर्मलिटी जल्दी। सर वॉल्यूम क्या है इन 100 cc? क्या 1 ml? सीसी का मतलब क्या होता है? ml, इसका मतलब क्या होता है? 1 ml। 100 है तो 100 ml। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। नॉर्मलिटी का एक ही तो फॉर्मूला ही था। नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा? वन लिख रहे हो तुम लोग? हाँ वन सही लिख रहे हो। किसने लिखा वन? अंकित। अंकित 6.3। नॉर्मलिटी के लिए तुम क्या करोगे? गिवन वेट एंड नॉर्मलिटी के लिए क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट, यही होता है ना? यस। डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम होगा ना? यस सर। और ग्राम इक्विवेलेंट किसका? तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये था, ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट करोगे ना, तो ग्राम क्या दिया है? 6.3 दिया होता था, ऊपर क्या लिख दोगे? बजेगा। और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा ये क्या होगा? ग्राम आ रहा है क्या? तो 63। ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है ना? यहाँ पे क्या होगा? 6.3 मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया हुआ है? 63 होता है। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 60, 63। अरे निकाल लो ना, क्या हो जा रहा है? निकालने नहीं आता है? HNO3। H से क्या होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 ही होगा। कितना हुआ? 63 हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना, बोलो। यस सर। यस सर। नीचे तुम जब निकाल रहे थे ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कर रहे थे, तो नीचे ऊपर तो ग्राम तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 6.3। इक्विवेलेंट वेट तुमको नहीं पता है, तो क्या होगा? 63 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? एन फैक्टर। यार इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट यही होता है ना, गिवन वेट। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 63 दिया हुआ है। Yes, N factor क्या आया क्वेश्चन में? HNO3 का N factor तो 1 आएगा। अरे बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे N, तो यानी कि तुम्हारा equivalent weight निकल जाएगा। Yes, sir. Equivalent weight क्या हुआ? 63 हुआ। Yes, sir. तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे? 63 लिखोगे कि नहीं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ऊपर 66.3, नीचे 63 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. जब इसको कटाओगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 0.1।
10 हो जाएगा, तो 1/10 आ गया, तो यहाँ पे अभी इसको क्या करोगे तुम्हें, क्या निकाल, नॉर्मलिटी निकालना था ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट वैल्यू को आई क्या 1/10 यानी कि 0.1 इसका आ गया, और वॉल्यूम वन दिया हुआ क्या, तो हाँ 100 सीसी दिया हुआ है ना, तो 100 सीसी का मतलब होता है 100 ml ml है, तो जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये भी 0.1 नहीं होगा, यस सर हो जाएगा, नीचे हमेशा लीटर में ही रखना है, तो नीचे लीटर में रखना है तो क्या होगा, ऊपर 0.1 नीचे 0.1 तो कट क्या हो जाएगा, आंसर 1 नहीं हो जाएगा, यस सर 1 सर, यस सर, आया समझ में, यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है, तो अब आगे इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग का ये पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है, उसको हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज पहला क्लास, आज फर्स्ट क्लास है, तो आज थोड़ा लाइट मोड पे ही रखते हैं, क्या वैसे टाइम लगभग हो ही चुका है आपका अप्रोक्स, तो टाइम हो ही गया है, यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया हो तो बताएगा भाई, कोई भी चीज नहीं समझ आया हो, अरे बोलो, आ गया सर, आ गया सबको, क्लास समझ में आ रहा है, बोरिंग नहीं था क्लास, नो सर, ठीक था ना, तो ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, बता दीजिए, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नेट चला गया था बता दे रहा हूँ।